अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। ओपन पेज नंबर 44। हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्रेटर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है राइट इन द मिसिंग वर्ड। हमने मिसिंग वर्ड लिखना है। पहले हमने लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लिखा था, अब हमें यहाँ पे साइन दिया हुआ है। हमने लेस देन लिखना है या फिर ग्रेटर देन लिखना है। हमने देखना है कि एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है या फिर बड़ा है। अगर छोटा होगा तो लेस देन आएगा, बड़ा होगा तो फिर ग्रेटर देन आएगा। जैसे ए पार्ट में देखें, 18 इज़ ग्रेटर देन 17, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 18 इज़ ग्रेटर देन। ग्रेटर देन 17। बी पार्ट में देखें, 2 इज लेस देन 19, तो आप लिखेंगे 2 इज लेस देन 19। सी पार्ट में देखें, 14 इज लेस देन 15, तो आपने यहाँ पे लिखना है 14 इज लेस देन 15। डी पार्ट में देखें, 16 इज ग्रेटर देन 15, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 16 इज ग्रेटर देन 15। ई पार्ट में देखें, 10 इज ग्रेटर देन 9, 10 इज ग्रेटर देन 9। एफ पार्ट में देखें, 7 इज लेस देन 18, तो आपने लिखना है 7 इज लेस देन 18। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा राइट इन द मिसिंग सिंबल। अब हमने यहाँ पे साइन लगानी है ग्रेटर देन और लेस देन के। ए पार्ट में देखें, 9 इज डैश देन 10, 9 इज लेस देन 10, 9 10 से छोटा है तो लेस देन का साइन आएगा। बी पार्ट में देखें, 14 इज डैश देन 6, 14 6 से बड़ा है तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन का। सी पार्ट में देखें, 4 इज डैश देन 17, 4 इज लेस देन 17, 4 17 से छोटा है। डी पार्ट में देखें, 5 इज डैश देन 0, 5 इज ग्रेटर देन 0। ई पार्ट में देखें, 19 इज डैश देन 8, 19 इज ग्रेटर देन 8, 19 8 से बड़ा नंबर है। एफ पार्ट में देखें, 7 इज डैश देन 9, 7 9 से छोटा है तो यहाँ पे आएगा 7 इज लेस देन 9। इसी तरह आपने पेज नंबर 45 है हमारा ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। अब आपने यहाँ पे साइन लगानी है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू के साइन लगानी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपने पेज नंबर 45 और 46 आपने होमवर्क में करना है और नेक्स्ट डे मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।